Good morning, all of you. Today I will deliver the lecture on the topic about the parliament. संसद के सदस्यों की क्या योग्यताएं होनी चाहिए और संसद के सदस्यों को के संबंध में, इनके निर्वाचन के संबंध में, इनकी योग्यताओं के संबंध में क्या प्रक्रिया है, इसके संबंध में मैंने आपको बताया था। तो सदन का सत्र, मैंने कल बताया था कि एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच कम से कम 6 मास से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए और राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सदन का सत्र को आहूत कर सकता है, सदन के सत्र का सदन को विघटित कर सकता है तथा सत्रावसान कर सकता है, सत्र को विघटित कर सकता है, सदन को आहूत कर सकता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति को सदन के सत्र को बुलाने का अधिकार दिया गया है। और मान लीजिए सदन का सत्र बुलाया गया है लेकिन कोई सदस्य किसी कारणवश निष्कासित कर दिया गया है सदन पर, तो उसकी सदन की संवैधानिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केस, एक लीडिंग केस है, इंदिरा नेहरू गांधी सत्राधार है, इंदिरा नेहरू गांधी गांधी और सच राजनारायण, इस समाज में क्या था, अपीलार्थी को निवारक विरोध अधिनियम के अंतर्गत कुछ सदस्यों के, संसद के कुछ सदस्य हैं जिनको निवारक विरोध अधिनियम के अंतर्गत जेल में निरुद्ध कर दिया गया, जेल में निरुद्ध कर दिया गया था। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति, चूंकि प्रधानमंत्री के सलाह से सदन के सत्र को आहूत करता है, तो सदन का सत्र बुलाया गया लेकिन उसके कुछ सदस्य उस सत्र में भाग लेने से वंचित हो गए और न्यायालय ने कहा कि उस सत्र को बुलाया जाना, यदि मान लीजिए कोई विधेयक उस समय पेश किया जा रहा हो तो कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति होने पर वह विधेयक असंवैधानिक होगा, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा मात्र कुछ सदस्यों की उपस्थिति अनुपस्थिति से जो है विधेयक की संवैधानिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह से राष्ट्रपति को अधिकार है कि सदन संसद के सत्र को वह आहूत करता है और सदन को सत्रावसित कर सकता है, सदन को सत्रावसान कर सकता है, सदन का सत्र 6 महीने के बाद एक सत्र, कम से कम 6 महीने के में एक सत्र बुलाया जाना आवश्यक है। मान लीजिए एक अधिवेशन के बाद अधिवेशन समाप्त हो गया है तो राष्ट्रपति को अधिकार है सदन को सत्रावसित कर सकता है और फिर दूसरे सदन की शुरुआत में राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। इस तरह से राष्ट्रपति को सदन को सत्रावसान करने का अधिकार दिया गया है और सदन का विघटन करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। यदि मान लीजिए जो है कोई भी सरकार जो है अल्पमत में आ गई है तो सदन को विघटित करने का अधिकार है, या कार्यकाल पूरा हो चुका है राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात जो है सदन को विघटित किया जा सकता है। इस तरह से सत्र को बुलाने का अधिकार, सत्रावसित करने का अधिकार तथा सदन का विघटन करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है।
और संसद के सदस्यों की गणपूर्ति कोरम पूरा होना चाहिए। मान लीजिए सदन को बुलाया जा रहा है, सदन को अगर चलाना है तो कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति होनी आवश्यक है। मान लीजिए 545 सदस्य संख्या है तो 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर इससे कम होते हैं तो कोरम पूरा नहीं माना जाता है। तो किसी सदन का संचालन करने के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। इसको कहा जाता है कि गणपूर्ति नहीं है या कोरम पूरा नहीं है। अगर कोरम पूरा नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में सदन के सत्र को नहीं सदन नहीं चलाया जा सकता है। सदन चलाने के लिए कम से कम कोरम पूरा होना आवश्यक है। इसके पश्चात संसद तथा राज्य विधानमंडल, संसद पार्लियामेंट तथा राज्य विधानमंडल के सदस्य किसी भी सदस्य के योग्यता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अनुच्छेद के अंतर्गत अगर संसद के किसी सदस्य की निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी परिस्थिति में जो है राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसके अनुसार कार्य करेगा। तो सदस्यता के संबंध में 102 के अंतर्गत सदन के किसी सदस्य की उसकी सदस्यता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेकर जो है निर्वाचन आयोग की राय लेगा उसके अनुसार इस सदस्यता का निर्धारण। इसके बाद विधेयकों के संबंध में प्रक्रिया है। 107 आर्टिकल 107 में साधारण विधेयक के संबंध में बनते हैं, सिंपल मिजाज साधारण विधेयक संबंध में। प्रोसीजर ऑफ सिंपल बिल, प्रोसीजर ऑफ पासिंग ऑफ सिंपल बिल, साधारण विधेयक कैसे पारित किया जाता है। साधारण विधेयक के संबंध में प्रावधान है कि किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। साधारण विधेयक के संबंध में प्रावधान है कि वह किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है, आइदर इन लोकसभा आर इन राज्यसभा, किसी भी सदन में पारित किया जाता है, किसी भी सदन में ट्रांसमिट किया जा सकता है, किसी भी सदन में इसको पारित करने का प्रावधान है। तो एक विधेयक से पारित हो जाता है, विधेयक कोई भी विधेयक एक सदन में पारित किया गया, एक सदन में प्रस्तुत किया गया और
उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के द्वारा वह आधे सदस्यों साधारण बहुमत से आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से यदि विधेयक पारित कर दिया जाता है तो वह विधेयक पारित मान लिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में एक सदन से दूसरे सदन को भेजा जाता है। दूसरे सदन द्वारा भी इसी तरह की प्रक्रिया अगर अपनाई गई है, आधे से अधिक सदस्यों के मत से वह विधेयक पारित कर दिया गया है, ऐसी परिस्थिति में विधेयक पारित मान लिया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है और उसकी अनुमति के पश्चात विधेयक कानून का रूप ले लेता है। इसके बाद एक सौ आठ आठवें के अंतर्गत यह संयुक्त सत्र को आहूत किया जा सकता है। अंदर आर्टिकल 108 ज्वाइंट सेशन में भी पार्ट ज्वाइंट सेशन में भी पार संयुक्त सदन संयुक्त सदन को आहूत किया जाता है। संयुक्त सदन कौन बुलाता है? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अधिकार है कि वह संयुक्त सदन को आहूत कर सकता है। संयुक्त सदन क्यों, किस मामले में बुलाया जाता है? संयुक्त सदन साधारण विधेयक, कोई सिंपल बिल हो और पास किया जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी बिल पर दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं या उसके बारे में गतिरोध उत्पन्न हो गया है तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों का संयुक्त सदन को आहूत कर सकता है। किसी बिल पर दोनों सदन टू हाउसेज क्या है, उनमें किसी विषय पर असहमति उत्पन्न हो गई है, ऐसा गतिरोध उत्पन्न हो गया है कि विधेयक पास कराना संभव नहीं है, ऐसी परिस्थिति में और विधेयक की स्वीकृत क्या है, साधारण स्वीकृत का विधेयक है। ज्वाइंट सेशन ध्यान रखिए कि ज्वाइंट सेशन हमेशा साधारण विधेयक के मामले में ही बुलाया जाता है। साधारण विधेयक को पास कराने के लिए ज्वाइंट सेशन आहूत किया जाता है। तो किसी भी साधारण विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो गया है या दोनों सदन उस विधेयक पर अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि वह संयुक्त सदन को आहूत करे। तो ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है क्या करता है, ज्वाइंट सेशन को आहूत करता है, संयुक्त सदन को बुलाता है और संयुक्त सदन में दोनों सदन मिलकर के उस विधेयक को पास करते हैं। ऐसी परिस्थिति में वह विधेयक संयुक्त सदन के द्वारा पास कर दिया जाता है, ऐसे विधेयक को संयुक्त ज्वाइंट सेशन कहा जाता है। ज्वाइंट सेशन में दोनों सदनों द्वारा जो है विधेयक को पारित करा दिया जाता है। अगर किसी संसद में किसी विधेयक पर कोई गतिरोध है
राष्ट्रपति के आवश्यक है कि वह संयुक्त सदन को आहूत करे, संयुक्त सदन को आहूत करके किसी भी विधेयक को जो है पास किया कराया जाता है। और इसके बाद सिंपल बिल के बाद मनी बिल आता है, मनी बिल। मनी बिल के संबंध में जो प्रक्रिया बताई गई है, प्रोसीजर बताया गया है पास कराने के संबंध में, वह आर्टिकल 109 में है, 109 में है कि मनी बिल पास कराने के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और आर्टिकल 110 में बताया गया है फिच बिल इज मनी बिल, फिच बिल इज मनी बिल, कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इसके संबंध में यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में बताया गया है। फिच बिल में वे कॉल मनी बिल, कौन सा बिल धन विधेयक है, धन विधेयक के संबंध में 110 में बताया गया है। और 109 में मनी बिल पास करने के संबंध में प्रक्रिया क्या है, इसके संबंध में बताया गया है। को कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके संबंध में अनुच्छेद 110 के खंड क से लेकर के खंड च, खंड क से लेकर के खंड च तक में जो चीजें हैं, दैट बिल इज मनी बिल, वही बिल मनी बिल है, इसके अलावा जो अन्य चीजें क्या हैं वह फाइनेंस बिल है, कौन है फाइनेंस बिल, हु विल डिसाइड दिस बिल इज मनी बिल आर फाइनेंस बिल, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर सहित, लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर ऑफ लोकसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा decide this bill is money bill, Lok Sabha ka adhyaksh jo hai yah nirdesh karta hai ki yah vidhyak dhan vidhyak hai, yah vidhyak dhan vidhyak hai, iske liye vah अपना हस्ताक्षर सहित एक पृष्ठांकन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, एक पृष्ठांकन सहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है जिसमें इसका सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर होता है, हस्ताक्षर सहित पृष्ठांकन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि दिस बिल इज मनी बिल, दिस बिल इज मनी बिल, यह विधेयक धन विधेयक है, तो ऐसी परिस्थिति में वही विधेयक धन विधेयक माना जाता है। 109 में धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया बताई गई है, धन विधेयक पारित करने के संबंध में क्या प्रक्रिया है, इसके संबंध में यह
धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया जो है आर्टिकल 109 में बताया गया है कि धन विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। मान लीजिए धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया गया। लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के बाद यदि विधेयक धन विधेयक पर लोकसभा ने धन विधेयक को पास कर दिया, ऐसी स्थिति में वह राज्यसभा को भेज दिया जाता है। लोकसभा में पारित होने के बाद वह विधेयक कहां भेजा जाता है? राज्यसभा में पारित किया जाता है। राज्यसभा ऐसे विधेयक को मात्र 14 दिन के लिए रोक सकती है। 14 दिन के लिए रोक सकती है। राज्यसभा ऐसे विधेयक को मात्र 14 दिन के लिए रोक सकती है। अगर 14 दिन के बाद राज्यसभा ने उस विधेयक पर अपनी सहमति नहीं प्रदान कर दी, तो ऐसी परिस्थिति में वह विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में वह विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। यदि राज्यसभा ने उस विधेयक पर कोई सुझाव दिया है तो लोकसभा यदि उसके सुझाव को मानता है तो संशोधनों सहित, यह सुझाव को नहीं मानता है तो संशोधनों रहित वह विधेयक लोकसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। तो धन विधेयक के संबंध में यह प्रक्रिया है कि एक सदन में पारित किए जाने के पश्चात सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा ने उसको पारित कर दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में वह राज्यसभा के पास भेजा जाता है। इन राज्य और लोकसभा को धन विधेयक पर पूरा अधिकार होता है। वह इसके बाद राज्यसभा को भेज सकती है। राज्यसभा ने यदि 14 दिन तक इंतजार करती है, राज्यसभा ने 14 दिन तक उस विधेयक पर कोई सहमति नहीं दी तो मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया है। यदि राज्यसभा ने कोई सुझाव दिया है या तो राज्यसभा के सुझाव को लोकसभा मान भी सकती है। यदि मान लेती है तो संशोधनों सहित, यदि नहीं मानती है तो संशोधनों रहित ऐसा विधेयक पारित मान लिया जाता है। और पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। तो प्रेसिडेंट उस विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। ऐसी परिस्थिति में प्रेसिडेंट की अनुमति मिलने के बाद विधेयक मान लिया जाता है कि वह धन विधेयक पारित हो गया है। तो धन विधेयक को कौन डिसाइड करता है? दिस बिल इज मनी बिल और फाइनेंस बिल, हु विल डिसाइड दिस थिंग? द स्पीकर ऑफ लोकसभा मे डिसाइड। द स्पीकर ऑफ लोकसभा विल डिसाइड दैट
जिस मिली मिली मनी गई स्पीकर ऑफ लोकसभा, क्योंकि स्पीकर ऑफ लोकसभा को ही अधिकार है कि यह विधेयक धन विधेयक है, इसके संबंध में वही निश्चित करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है और उसके हस्ताक्षर सहित प्रशासन प्रमाण पत्र के द्वारा यह लगा दिया जाता है कि यह विधेयक धन विधेयक है। और ऐसी परिस्थिति में धन विधेयक जो है के संबंध में प्रक्रिया बताई गई है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। और अनुच्छेद 110 आर्टिकल 110 में ये बताया गया है कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इसके ए बी सी डी ई जी ई एफ ए बी सी डी ई एफ का से लेकर जेड तक, तो का से लेकर जेड तक का से लेकर चेक तक बताया गया है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। धन विधेयक कौन सा विधेयक है, किसी कर के संबंध में, कराधान के संबंध में, करारोपण, कराधान से संबंधित विधियां, कर रोपण से संबंधित विधियां, इस प्रकार से राज्य के संचित से धन जमा करना, धन निकालना, तो इस तरह से 110 में खंड का से च तक कराधान करारोपण तथा संचित निधि के मध्य जो धन निकाला जाता है, धन का परिव्यय किया जाता है, वह विधेयक भी धन विधेयक के की श्रेणी में आता है। और कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और खंड धन विधेयक वही विधेयक है इसको कि अनुच्छेद 110 में बताया गया है, अनुच्छेद 110 में बताया गया है कौन सा विधेयक धन विधेयक है। तो धन विधेयक का निर्धारण अनुच्छेद 110 में किया गया है। अनुच्छेद 110 में खंड से कस लेकर चतक जो जो बिल है, जो बातें कही गई है, जो लिखी गई है, वही विधेयक धन विधेयक है, बाकी वित्त विधेयक की श्रेणी में आता है। क्योंकि कहा गया है प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक है, किन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। इस तरह से आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे दूसरी भाषा में बजट भी कहा जाता है, जिसे दूसरी भाषा में भारतीय संविधान में लिखा गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, तो संसद राष्ट्रपति जो है संसद के समक्ष प्रत्येक वार्षिक प्रत्येक वर्ष का वित्तीय विवरण रखवाएगा। मीन्स सरकार का क्या आय है, सरकार का क्या व्यय है, इस संबंध में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण जो है सरकार के समक्ष प्रत्येक वर्ष रखा जाएगा। और आय व्यय
आय क्या है सरकार की, इनकम क्या है, इनकम क्या है और व्यय क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, आय क्या है, व्यय क्या है। तो आय और व्यय के संबंध में जो विवरण प्रत्येक वर्ष संसद के समक्ष रखा जाता है उसी को बजट कहा जाता है। लेकिन अनुच्छेद 112 कहा गया है एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, इसको वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 12 के अंतर्गत संसद के समक्ष यह बजट पर प्रत्येक वर्ष रखा जाता है सरकार सदन के समक्ष। तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण इसे बजट कहा गया है, क्योंकि संसद प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में प्रत्येक वर्ष जो है वार्षिक वित्तीय विवरण आय व्यय के विवरण के संबंध में जो है संसद के समक्ष रखती है। क्या आय है सरकार का, क्या व्यय है, इसके संबंध में विवरण प्रस्तुत किया जाता है सदन में। तो नेक्स्ट लेक्चर आई विल डेवलप टुमारो। थैंक यू वेरी मच।